हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और मुझे देखकर क्या लग रहा है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम किया इस दिन मैंने। वीडियो है ये 11th की और आई वाज एक्सपेक्टिंग गेस्ट नेक्स्ट डे, तो इसलिए वैसे भी बहुत सारा काम इकट्ठा हो ही जाता है। तो फिलहाल तो मैं साफ़ करने लगी हूँ चिमनी, और चिमनी साफ़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा तामझाम है। इतना ग्रीजी स्टिकी हो जाता है ये सारा जो फिल्टर्स होते हैं, इनको पहले घिसो, फिर गर्म पानी से धो। चिमनी क्लीन हो जाने के बाद मैंने फिर ये जो वॉशिंग मशीन होता है ना, इसका जो वाटर फिल्टर होता है, वाटर इनलेट, ये भी क्लीन किया। पता नहीं क्यों मेरी वॉशिंग मशीन बहुत कम पानी दे रही थी, तो इसके लिए इसको साफ़ किया मैंने, उसके बाद से ठीक हो गया। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो वॉशिंग मशीन के पीछे ये छोटा सा फिल्टर होता है, इसे आप महीने दो महीने में एक बार साफ़ कर लिया कीजिए, क्योंकि पानी की सारी गंदगी इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। और ये देखिए, ये सारे जूते चप्पल आज मैंने धो दिए। ये एक्चुअली सब फैब्रिक के हैं तो ये वॉशेबल हैं, इसलिए ये सब मैंने धो डाले। पास से देखिए अच्छे ही धुले हैं, सिर्फ इस पे ये जो ऊपर का होता है ना, ये घिस गया है, इसलिए सब ब्लैक लग रहा है, अदरवाइज क्लीन साफ हुए हैं। और अभी ये शायद एक दो दिन में सूख जाएंगे, अभी तो यहाँ पर गर्मी है, धूप आती है, वरना जब बिल्कुल विंटर्स हो जाती है ना, जब धूप नहीं दिखती कई दिन तक, तब तो इनका सूखना हफ्ते भर तक नामुमकिन है। ये आज के कपड़ों का लॉट सुबह में धोए थे मैंने, पर सूखे नहीं अभी तक। और ये चिमनी फिल्टर्स क्लीन हो गए हैं, साफ लग रहे हैं ना। और इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके रख दिया था, आप देख सकते हो, जिससे कि इसका जो भी इसका सूखने का प्रोसीजर हो जाए। और अभी मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी। और मुझे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि चिमनी खरीदना किचन में अच्छा है कि नहीं है। देखिए, चिमनी किचन में ज़रूर होनी चाहिए, चिमनी खरीदना स्मार्ट है, लेकिन चिमनी की मेंटेनेंस थोड़ी होती है। आप उसके लिए रेडी हैं तो ज़रूर से चिमनी खरीदिए। ये फ़िल्टर लगभग हर हफ्ते धोने पड़ते हैं और ये बहुत ग्रीजी हो जाते हैं, तो मेहनत भी करनी पड़ती है। और कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से बड़े हुड वाला चिमनी लें, जो कम से कम आपका जो गैस है ना उसको पूरा कवर कर लें, तो ही इसका फ़ायदा है। वो 60 सेंटीमीटर वाली चिमनी होती है ना, वो इतनी छोटी, वो एक्चुअली ऐसे घरों में अच्छी रहती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कुकिंग ना होती हो। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है, चिमनी का हैवी ड्यूटी इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ये 90 सेंटीमीटर चिमनी है शायद ये लिया। और इस पैन के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं, ये मायर का है, मैं इसे कई बार आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये मायर ने मुझे भेजा था, 4-6 महीने हो गए इस चीज़ को, मॉनसूनस में आया था ये, तो इट्स अ गिफ्ट, पर मायर की तरफ से है। और आपको चाहिए इसका लिंक तो मैं ढूंढ के इस वीडियो में रख दूँगी। अगर आपका फ़ोन जल्दी जल्दी हैंग हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसी ऐप के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हैं, बल्कि जो आपके फ़ोन का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर सकते हैं और बहुत सारे मेमोरी जंक से छुटकारा पा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए जाना है आपको आपके फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ टाइप कीजिए नॉक्स सिक्योरिटी, और जो आइकन आएगा नॉक्स लिमिटेड वाला, यही आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये इंस्टॉल होगा और इसके बाद आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आपसे जो है फॉर्मेलिटीज मांगेगा, वो आपको यस करने हैं, परमिशन इसको ग्रांट करना है, और इसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉक्स सिक्योरिटी, द फ्री सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस ऐप को, आपके फ़ोन का जंक क्लीन करने के लिए, वायरसेस क्लीन करने के लिए। थोड़ी बहुत एक्सेस परमिशन हर एप्लीकेशन को चाहिए होती है, तो आप आपके विट के अनुसार एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं नॉक्स सिक्योरिटी को। और एक बार आप ये सभी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, इसके बाद आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस से। इट प्रोवाइड्स अ फ्री वायरस क्लीनर, साथ ही साथ वाईफाई सिक्योरिटी भी ये आपके फ़ोन को प्रोवाइड कराता है।
नॉक सिक्योरिटी के एडिशनल फीचर्स में आपको मिलेगा मैसेज सिक्योरिटी, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ब्लॉकर, यानी कि वो सारे ऐप जो आपको अनॉइंग लगती हैं या जिनके नोटिफिकेशंस आपको यूजलेस लगते हैं, आप उनके नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हो एज एन प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू गार्ड द प्रिवेसी। साथ ही साथ बैटरी सेवर आपको मिलेगा इस ऐप में, जो आपके पावर ड्रेनिंग ऐप्स को विद ओनली वन आप स्टॉप कर सकते हैं और आपके सीपीयू को कूल कर सकते हैं, आपके फोन को बिना वजह गर्म होने से रोका जा सकता है। नॉक्स सिक्योरिटी इज एंटीवायरस ऐप, इट क्लीन्स वायरसेस एंड इट बूस्ट योर फोन्स। और साथ ही साथ ये एप्लीकेशन जब आप गूगल प्ले से डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलता है एक चांस रेड माई का फोन और गैजेट्स जीतने का। आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और स्क्रीन पर आने वाली फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके फॉर्मेलिटीज पढ़ सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रख दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चेक कीजिएगा। अभी अभी अमेज़ॉन से ये पार्सल डिलीवर हुआ है। मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, पर मुझे पता था एक बैग मेरे लिए आ रहा है तो मैं इसको अभी खोल रही हूँ। मैंने सोचा आपके साथ ही इसको देखती हूँ, मैंने अभी तक इसे देखा नहीं है। आप हालत देख रहे हो, बस इसे मैंने ऐसे ही बैग में से निकाला है और इसका फर्स्ट लुक आप और मैं साथ लेने वाले हैं। ओके, तो ऐसा है, ये बेज कलर का कैप्रिसी बैग और इसका प्राइस यहाँ पे 4149 है, लेकिन बिल में इसका प्राइस है 1244, तो ये ज़रूर ऑफ़र में रहा होगा। बट नाइस चॉइस। तो शर्मा जी को है ना, बहुत ज़्यादा शौक़ है शर्मा जी को घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का, और जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्या शॉपिंग करना है तो फिर वो मेरे लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। और ये सिंगल जिप बैग है और अंदर इसमें लाइक एक जिप इधर है, एक जिप बीच में है और इधर पॉकेट्स हैं, तो मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा खासा स्पेस है इसमें। मैंने सोचा आपको बता दूँ क्योंकि फिर बाद में फिर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि वो बैग आपने कहाँ से लिया था। मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लू और एक ब्लैक बैग है और ये मेरा थर्ड बैग है, लेकिन उन दोनों के बारे में भी मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अभी राइट अवे ही आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और बस फाइनली आ गई हूँ मैं किचन में, प्रेपरेशन करूँगी डिनर की। तो आप देख सकते हैं दूध मैंने बॉईल कर लिया है, थोड़ी गाजर साफ़ करके रख लिया है, गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये हैं मूली के पत्ते, पराठे मैंने पहले बना लिए थे और ये पत्ते बच गए थे, तो मैं इसकी ना पहले सोच रही थी भुजी बना लेती हूँ। देन आई थॉट कि यार गाजर की मैं एक सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, वो भी ड्राई होगी तो भुजी भी ड्राई हो जाएगी, तो आई थॉट कि इसके पराठे कर लेने चाहिए, अच्छे लगेंगे। और वैसे भी विंटर्स में तो पराठे बहुत कॉमन है, इतनी सारी सब्जियों के पराठे बनाए जाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूली के पत्तों के पराठे आज। तो इसके लिए जो मूली के पत्ते हैं उन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। मैं यहाँ नाइफ से काट रही हूँ, पर मेरी मम्मी है ना, इस तरह जो पत्ते वाली सब्जियाँ होती थी ना, उसे काटने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करती थी, उसे हम लोग दरात कहते हैं, शायद आप में से बहुत लोग को पता होगा। दराती एक चीज़ होती है जिसे गेहूँ वगैरह काटा जाता है, खेतों की जो फसलें होती है ना उसे काटते हैं, उसे कहते हैं दराती, इंग्लिश में सिकल। और
दरात एक चीज़ होती है, वो घर में इस्तेमाल की जाती है वेजिटेबल्स काटने के लिए। तो मेरी मम्मी का हाथ बहुत तेज़ था दरात पे, एकदम परफेक्ट, और वो इतनी फाइन चॉपिंग करती थी। तो बस मैं जब मूली के पत्ते काटती थी, मुझे रह रह के मम्मी याद आ रही थी। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे सारे पत्ते काट लिए हैं, इनको अच्छी तरह से रिंस कर लिया है और थोड़ा सा नमक डालकर मैं इसको उबालने के लिए रखूँगी। देखिए कितना इसमें धूल मिट्टी जमी होती है जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, इसलिए इनको कई बार साफ़ पानी से धोना ज़रूरी है। और ये जो मूली के पत्ते हैं, इन्हें एक दो सीटी भी काफ़ी होती है, ये सॉफ्ट पक जाएंगे तब तक मैं उसे पका लूँगी। और मीनवाइल मैं दूसरी तरफ तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी की। तो मैं बनाने लगी थी आलू गाजर मटर, और ये मेरे डैडी की फेवरेट सब्ज़ी है, तो बहुत ही इमोशनल रही मेरे लिए कुकिंग, आप समझ सकते हैं। कभी मम्मी कभी पापा याद आ रहे थे। तो ये सब्ज़ी बहुत सिंपल है, नो ऑनियन नो गार्लिक सब्ज़ी है। थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने और इसमें थोड़े से आलू डाले हैं, और आलूओं को आप देखिए किस तरह स्पॉट आ गए हैं। थोड़ा रोस्ट करना है, इससे आलू थोड़े पक भी जाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक बार आलू थोड़े रोस्ट हो जाए तो इसमें आपको डालना है कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा जीरा और हींग, और इन सब चीज़ों के साथ आपको थोड़ी देर आलू भूनने हैं। फिर ऐड कर दीजिए इसमें कटे हुए गाजर, और फिर गाजरों को भी थोड़ी देर भून लीजिए। इस सब्ज़ी को बेसिकली भून भून कर पकाया जाता है, हालांकि थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी इसको गलाने के लिए, पर ये नो ऑनियन नो गार्लिक सब्ज़ी होती है भुनी हुई, बहुत मस्त लगती है। आप बना के देखेंगे एक बार, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो थोड़ी देर गाजर भून लेने के बाद मैंने ऐड किए हैं इसमें हरे मटर, ये फ्रोज़न नहीं है, ये कच्चे ताज़े मटर हैं, और मसाले यानी कि नमक, हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर। और इसके बाद इसे मैं फिर से थोड़ा सा भूनूंगी। जैसे मैंने आपको बताया इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको भूनने की वजह से, इसलिए स्टेजेस में मैं इसे भूनती जाऊंगी। और जो मटर है उसको गलाने के लिए जितना पानी होगा ज़रूरी सिर्फ उतना ही ऐड करूंगी। यहाँ मैंने ऐड किया है थोड़ी सी कसूरी मेथी। मेथी गाजर के साथ बहुत अच्छा स्वाद देती है, इसलिए इस सब्ज़ी में थोड़ी सी कसूरी मेथी इसके टेस्ट को एनहांस करती है। गाजर मेथी की भी एक सब्ज़ी बनती है, वो मैंने आपके साथ पहले शेयर की है। अभी मैंने इस सब्ज़ी को थोड़ा अच्छे से भून लिया, और इसके बाद बहुत थोड़ा लाइक 2-3 टेबल स्पून जितना पानी डाल के मैंने उसे कुक होने के लिए छोड़ दिया है। दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, इसमें डाला है थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, और यह है गार्लिक का पेस्ट। जिंजर बिल्कुल नहीं लिया है मैंने, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा सा गार्लिक लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे मूली के पत्तों को छौंका दे रही हूँ, और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है लहसुन मूली के साथ। और ये जो मूली के पत्ते हैं इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था मैंने नमक डाल के, और निचोड़ के इसे मैं अब भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दूँगी। इसमें मैं ऊपर से नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक मूली के पत्तों में काफ़ी है, और एज सच मैंने कोई इसमें मसाला डाला ही नहीं जिसको बैलेंस करने के लिए नमक की आवश्यकता हो। तो बस ये जो मूली के पत्ते हैं ना, इन्हें अच्छे से भून लीजिए जिससे कि इनके अंदर का मॉइस्चर जो है वो उड़ जाए। और ये जो भुजी तैयार होगी आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हो, बहुत यमी लगती है। पर मैं इसके पराठे करने वाली हूँ, तो मूली के पत्ते अच्छी तरह से एक बार भुन जाए उसके बाद उसे आप थोड़ा ठंडा होने के लिए रखिए। यहाँ पे सब्ज़ी ऑलमोस्ट कुक होने आई है, तो मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया है ज़रा सा गरम मसाला और आमचूर। आमचूर सब्ज़ी में तब डालिए जब आपकी सब्ज़ी पूरी पक चुकी हो, क्योंकि आमचूर डालने के बाद सब्ज़ी ज़्यादातर गलती नहीं है। ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है, बस 2-1 मिनट और इसे रोस्ट करूँगी मैं, एंड बस तैयार हो गई सब्ज़ी भी। उधर भुजी भी मेरी पैरेलली ठंडी हो जाएगी। अरे देखिए खुशी का नया शौक कैलीग्राफी। खुशी 1 मिनट हाथ हटाओ बेबी, ये देखिए एनओटी बहुत पास पास है, अदरवाइज बहुत प्यारा लिखा है, बहुत सुंदर। थैंक यू मामा। और ये हमारी और ये देखिए शानू का शौक, ये नया शौक नहीं है, ये इसका पुराना ही शौक है। कहीं पे कुछ भी लिख दो ये उसका इमेज बना देती है। शानू जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो क्लियरली। ये देखिए स्टॉर्मी नाइट लिटिल गर्ल लाइंग इन बेड वेरी अफ्रेड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। और शानू ने क्या ड्रॉ किया है, अफ्रेड गर्ल, फ्राइटेंड गर्ल, और बाहर खिड़की भी है, स्टॉर्मी नाइट।
वाह सानवी, थैंक यू मम्मा। इमोशंस भी कितने परफेक्ट डाले हैं दोनों। टू गुड। थैंक यू। बाय द वे सानवी और खुशी के थर्ड टर्म के टेस्ट शुरू हो रहे हैं 13 से, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे बच्चे आफ्टर दिस। खुशी को क्या हो गया? अच्छी बात नहीं बोली मम्मी ने। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने जी में बहुत सारी स्पेस यूज कर ली, इसलिए ये तीनों घुसे घुसे से। कोई बात नहीं, देखो पता है इंसान कहाँ से सुधरता है, जब उसे पता चल जाएगी उसने कहाँ मिस्टेक किया, तो आगे से वो मिस्टेक नहीं होगी ना। हाँ जी नहीं होगी। आटा मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। आटे को स्टैंडिंग टाइम ज़रूर देती हूँ मैं, इससे जो रोटी पराठा बनाना होता है ना वो प्रोसेस इजी हो जाती है। बस फाइनली मैं अब इसके पराठे कर लूँगी। एक छोटी सी रोटी बनाई है और इसके अंदर जितनी आपको स्टफिंग चाहिए उतनी आप डाल दीजिए, और बाद में इसका जो पराठा है वो बेल लीजिए। और सानवी खुशी को उतने पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें, बट फिर भी मैं उन्हें चाहे बेसिक प्लेन पराठा दूँ, पर एक तो ये मैं ज़रूरी देती हूँ, हर तरह के खाने से बच्चों को इंट्रोड्यूस ज़रूर करवाना चाहिए, तभी उनका टेस्ट डेवलप होगा। वो नहीं खाते हैं पूरा पूरा, तो भी थोड़ा बहुत उन्हें दिया ही कीजिए। तो मैंने भी सानवी खुशी को थोड़ा तो पराठा दिया ही था, मूली वाला, हालांकि वो उतने चाव से नहीं खाएंगे ऑब्वियस है, पर टेस्ट ज़रूर किया उन्होंने। और पराठा बेल लेने के बाद आप इसको सेक लीजिए, और ये पराठे बहुत यम्मी लगते हैं। मेरी मम्मी को खास तौर पे बहुत पसंद है हरी सब्जियों की कुछ भी डिश, और इस तरह के पराठे सुबह नाश्ते में मिल जाएं तो बहुत मज़ा आता है। और ये पराठे मैंने थोड़े बेसिक ही रखे हैं क्योंकि इसके साथ खाने के लिए सब्ज़ी बनाई है मैंने, लेकिन अगर आप इसे दही वगैरह के साथ खा रहे हैं, यानी बेसिकली नाश्ते में खा रहे हैं, तो आप थोड़ा मसाला वगैरह स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। और पराठा सिक गया है, सब्ज़ी तैयार हो गई है, ये है हमारा आज का सिंपल सा डिनर। तो बस ऐसे ही मैं और पराठे तैयार कर लूँगी। और आज सुबह से मैंने इतना सारा काम किया है यार, चिमनी क्लीन करी, दोनों टॉयलेट क्लीन करे, दोनों बाथरूम्स क्लीन करे, कपड़े धोए, जूते धोए। एक्चुअली हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, आज है 11 जब मैं आपको ये बता रही हूँ, वो आने वाले हैं 12 को, पर जब तक ये वीडियो जाएगी वो लोग आ चुके होंगे। और अब मैं बताऊँगी नहीं आपको कि कौन आने वाले हैं, मैं आपको सीधे दिखाऊँगी कि कौन आने वाले हैं। कुछ लोग कल आने वाले हैं और कुछ परसों आने वाले हैं, तो मैं आपको मिलाऊँगी उनसे मेरे व्लॉग में। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब गेस्ट आने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले मैं ज़रूर अपने जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन करती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनिंग कर लेती हूँ उस वक्त। और एक बार जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जितने वक्त वो लोग साथ रहते हैं उतने वक्त मैं ये सभी कामों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करती जिसमें बहुत ज़्यादा सफाई वफाई की ज़रूरत है। बिकॉज जब लोग आपसे मिलने आते हो तो दैट इज़ बेसिकली फैमिली टाइम, इसलिए हम लोग साथ बैठ कर बातें बातें करते हैं, वी ट्राई टू स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। और यार वो जो वीडियो थी ना टोमेटो सूप वाली, उस पर ना मुझे आप लोगों ने ट्रोल कर दिया। वो बेसिकली दी आप बाहर मार्केट कैमरा माइक लगा के जाते हो, घर पे कैमरा सेटअप करके जाते हो। नहीं ऑफ़ कोर्स नहीं जाती हूँ यार, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेरे वीडियोस बना रही हूँ और कोई और मेरे लिए यू नो कैमरा लेके खड़ा हुआ है, तो मुझे हर चीज़ पहले से सेटअप करनी पड़ती है। ऐसा सभी यूट्यूबर्स करते हैं, जैसे कि मुझे आपको कोई रेसिपी दिखानी है ना, तो मैं पहले कैमरा लाइट सब सेटअप करूँगी तब वो सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी। तो मुझे नहीं लगता इतनी कोई बड़ी बात है, नहीं तो फिर मैं जो आप लोगों के साथ जो ये व्लॉग में सब कुछ शेयर करती हूँ तो वो कैसे हो पाएगा अगर मैं कैमरा वैमरा नहीं लगाऊंगी। सभी लोग ऐसा करते ही हैं कुछ ना कुछ तो अपनी वीडियोस को ड्रामेटिक बनाने के लिए, एंड मेरे हिसाब से इट इज़ ओके अनलेस आप झूठ कुछ नहीं दिखा रहे हो, जो होता ही नहीं है वो कुछ ऑडियंस को दिखाया जा रहा है तब वो बिल्कुल रॉन्ग है। पर थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी हर यूट्यूबर करता है, आपने देखा भी होगा लोग
फ्रिज के अंदर कैमरा रख देते हैं, फिर फ्रिज खोलते हैं तो वो दिखते हैं, या इस तरह का करते ही हैं, माइक्रोवेव के अंदर कैमरा रख देते हैं जिससे कि जब वो माइक्रोवेव का ढक्कन खोले तो वो दिखे। तो ये थोड़ा सा ना क्रिएटिविटी सब लोगों को करनी पड़ती है। तो यस, ऑल ऑफ द यूट्यूबर्स जो करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वैसा एक्टिविटी करने से पहले सब लोग अपना माइक, कैमरा, लाइट, जो भी उनके पास गैजेट्स हैं वो सेट करते हैं। मेरा तो माइक छोटा सा है तो आप लोगों ने देख लिया, वरना लोगों के माइक बहुत बड़े बड़े होते हैं एक्सपेंसिव वाले, तो वो ज़्यादातर कैमरे पे ही माउंट हो जाते हैं तो दिखते नहीं हैं, और यहाँ हमें पकड़ी गई। बट इट्स ओके, मैंने इसको बिल्कुल भी बैड वे में नहीं लिया, एंड आई नो आप लोगों ने भी बिल्कुल मजाक में मुझसे कहा है, लिटरली मुझे ट्रोल करने के लिए नहीं कहा होगा। जो गेस्ट हैं हमारे वो आने वाले हैं कल दोपहर को, और कल जो व्लॉग मैं बनाना शुरू करूँगी उसमें मैं आपको मिलवाऊँगी कि कौन आने वाले हैं। खुशी को हो गई है थोड़ी सी सर्दी खांसी, क्योंकि ये बच्चे लोग जितनी सुबह स्कूल जाते हैं ना उस वक्त बहुत ठंडी हवाएँ चलती हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ पूरी विंटर्स कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और इट्स ओके, शिल भी ओके, पता नहीं स्कूल इतनी जल्दी के क्यों होते हैं, बच्चे भी खुश नहीं, मम्मीज़ तो बिल्कुल भी खुश नहीं। सुबह सर्दियों में सुबह 5-6 बजे उठना पड़ता है यार, इतने में क्या बच्चे भी वेकअप नहीं हो पाते, मम्मीज़ भी वेकअप नहीं हो पाते। थोड़ा सा सोचना चाहिए स्कूल के टाइम के बारे में, है ना। और आज की इस वीडियो को एंड कर रही हूँ मैं बस यहीं पर, मिलूँगी आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।